नजर है नतीजों पर। अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बीजेपी की तरफ से कमान संभाल रखी थी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मैदान में थे। ऐसे में दोनों ही पार्टियों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और देखना यह भी होगा पिंकी कि बजरंग बली के मुद्दे ने कितना इफेक्ट डाला है नतीजों पर। देखिए बिल्कुल सबसे दिलचस्प यही होगा देखना कि आखिर बजरंग बली का जो मुद्दा जिसके इर्द गिर्द पूरा चुनाव जो है वो लड़ा गया वो आखिर कितना कारगर बीजेपी के लिए साबित होगा, क्योंकि मैनिफेस्टो में बजरंग दल को जिस तरह से बैन करने की बात कही गई थी उसके बाद लगातार राजनीति इस पर गर्माती दिखी। दोनों ही पार्टियों के लिए चुनाव बहुत ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि एक और जहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, यहां तक कि सोनिया गांधी ने भी रैली की सीधे तौर पर भारत जोड़ो यात्रा के बाद, ये पहला चुनाव जिस पर कहीं ना कहीं एक लिटमस टेस्ट की तरह कांग्रेस के लिए देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लिए दक्षिण का किला बचाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है और जिसका रिजल्ट जो आज सामने आ जाएगा, क्योंकि नवंबर में तेलंगाना में भी चुनाव होने, तो ऐसे में दक्षिण का द्वार अगर बीजेपी के लिए खुले रखना है तो कर्नाटका में सत्ता पर काबिज होना जरूरी है और यही कारण है कि दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत अहम हो जाता है। वहीं तीसरी ओर जो जेडीएस है वो ये नजर गड़ाए बैठी है कि अगर हंग असेंबली ऐसा सिचुएशन आता है तो जाहिर तौर पर कुमार स्वामी जो है वो किंग मेकर की भूमिका अदा कर सकते हैं और कहीं ना कहीं जो पिछली बार हमने देखा था कि आप दोनों इस पर भी नजर रहने वाली है। आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि बड़ी खबर एक और आ रही है। नतीजों से पहले कांग्रेस खेमे में जश्न का माहौल है, क्योंकि एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आए थे उसके बाद कांग्रेस जश्न मना रही है। कांग्रेस मुख्यालय में ढोल भी बजने लगे हैं। देखिए अभी काउंटिंग शुरू नहीं हुई है, कहीं यही जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो क्या आगे भी बरकरार रहेगा इस पर भी नजर रहेगी। पार्टी को कर्नाटक में जीत का पूरा भरोसा है, खासतौर पर जो तमाम एग्जिट पोल हुए हैं उनके जो नतीजे आए हैं वो कांग्रेस के पक्ष में आए हैं। और ये तस्वीरें भी आप देखिए, ये तस्वीरें दिखाई पड़े हैं जहां ढोल नगाड़े बजने अभी से ही शुरू हो गए, मतलब 8 बजे का भी इंतजार कांग्रेस कर नहीं रही है, पहले से ही ये ढोल बज रहे हैं। गौरव, कम से कम कांग्रेस 8 बजे का तो इंतजार करे, कम से कम पहला रुझान तो सामने आए। एग्जिट पोल के नतीजे लगता है कांग्रेस को कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास से भर चुके हैं। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस अपनी जीत को लेकर बहुत ही इस बारे में कॉन्फिडेंट है कि वो जीत रही है और देखिए अगर एग्जिट पोल अगर एक लिटमस टेस्ट रहे हैं तो ऐसी स्थिति में इस बार जो रुख है वो एग्जिट पोल का कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में रहा है। अब मैं कुछ तस्वीरें दिखा देना चाहूँगा, यहाँ पर आप इस वक्त कांग्रेस दफ्तर के बाहर की तस्वीर देखिए, हवन भी शुरू हो गया है कांग्रेस दफ्तर के बाहर और ये तस्वीर सीधी मैं ले चुकाऊंगा। यहाँ पर देखिए सोनिया, राहुल, डीके शिवकुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका, रावत सबकी फोटो लगी है और ये परिवार है कांग्रेस से जुड़ा हुआ। फूल सिंह जो हमेशा जो है लगातार जो है वो हवन करते हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आपने हवन शुरू कर दिया, जीत के लिए बड़ी आश्वस्त है इस बार आप लोग? हमारी ही जीत होगी, कांग्रेस की जीत होगी और कांग्रेस की कर्नाटक में सरकार बनेगी। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा केरला से स्टार्ट की थी और कर्नाटक होते हुए उन्होंने कर्नाटक में कहा था कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहा हूं और आज पहली दुकान कर्नाटक में खुलने जा रही है और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है।